अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड्स हब। दिस इज़ जावर और गाइस, आज मैं फिर से हूँ देवनार बकरा मंडी में, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो। जल्दी आया था मैं आज थोड़ा, तो वेट करूँगा मैं भी, तो माल उतर रहा है, तो देखते कि क्या माल आया और क्या क्वांटिटी में क्या प्राइस रेंज वगैरह रहेगा। इंशाल्लाह सब चीज़ बताऊँगा आप लोग को। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और शूट के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरीज है तो नंबर आप लोग को मेरा डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज के दिन में क्या माल आया है। और अभी देखो आप लोग उतर रहे हैं माल। ठीक है, तो चलेंगे देखेंगे माल। देखिए इधर भी आ रहा है। ओके, तो चलते हैं अंदर और वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और इंस्टाग्राम पे आपने अगर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, उस पर बराबर अपडेट आती रहती है इंस्टाग्राम पे मेरी। मेरी इंस्टा आईडी जो स्क्रीन पे चल रही है गोट्स हब अंडरस्कोर, और मेरा सेकंड चैनल है मुंबई फैक्टर, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग की अपडेट इंशाल्लाह आप लोग को मिलती रहेगी। और एक और गिव अवे इंशाल्लाह कमिंग सून है, तो उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। तो आप लोग बराबर फॉलो कीजिए और वीडियोज़ वगैरह देखिए। ठीक है, तो चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी S4 में गाड़ी नंबर 7 में हूँ मैं। ये देखिए आप लोग, इसमें माशाल्लाह बच्चों का लॉट आया है, सब पालने वाले बच्चे और सब एक कलर पैटर्न के। ये नस्ल आप लोग मुझे बताइए ज़्यादा बेटर, आप लोग को मालूम होगी कौन सी नस्ल है। मेरे तो समझ के बारे क्या नस्ल है, नस्ल क्या बोलेंगे भाई, नस्ल क्या बोलेंगे, सिरोही के भाई बकरे। सिरोही के, ऐसे सिरोही भाई, थोड़ा अलग कलर। क्या पैसे में देना है ऐसा? फीमेल के 4,000 रुपया और मेल के 5,000 रुपया। अच्छा ऐसा, फीमेल के 4,000 रुपया और मेल का 5,000 रुपया। ये देखिए इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। फीमेल के 4 बोले भाई ने और मेल के 5,000 रुपये। अरे वो दूसरी बकरी का है, देखिए ये गूगल नंबर दे। अरे मैं देखिए, हम लोग आए थे, हम लोग को 3 बार मिला नहीं। उधर मार दे, तो डन हो गया शायद 8,500 या 9,000 रुपये में। हाँ, ये इनकी माँ है शायद, सेम कलर के बच्चे भी है। इसकी माँ है क्या? हाँ इसकी माँ है, सेम कलर आया, सब एक के पीछे भाग रहे। एक माँ और बच्चे, 1, 2, 3, 4 मेल 4 से और आई एम सॉरी मेल 5 से 5,000 से और फीमेल जो है वो 4,000 रुपये से। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे। ये बाजू वाले वाड़े में भी कुछ बकरे ऐसे हमेशा रहता ही है, मैं दिखाता ही हूँ, इसमें बहुत जानवर देखने मिलते हैं। यहाँ भी चलेंगे, पहले ये जो दिखा है आप लोग ने इसको लेना है, तो लोकेशन मामास को भी आप लोग कांटेक्ट करोगे, मामा अभी फिलहाल दिला रहे कस्टमर्स वगैरह को। ठीक है, तो चलते हैं बाहर और देखते हैं और क्या माल आया, वो इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस वो जो दो बच्चे बिके वो 8,500 रुपये में जोड़ी बिकी, मेल फीमेल की। ये है S4 में गाला नंबर 8। हमेशा इधर अच्छा माल देखने मिलता है, बट आज मेरे को लग रहा है कि है नहीं कुछ, क्योंकि माल भी बहुत कम है, वो नया खड़े रहने की जगह नहीं रहती थी, इतना माल आता है इधर। सबसे पहला वाड़ा जहाँ पे हमेशा आप लोग को बड़े बकरे देखने मिलते हैं। आज अभी ढूंढ ढूंढ के उसमें से छाँटना पड़ेगा कौन सा अच्छा है। एक ये थोड़ा बेटर है, ठीक ठाक बोलूँगा मैं सिरोही का, बट खड़े सिक्के में थोड़ा अलग शेप में सिंग वगैरह आई है इसकी। फोटो तो किसने आ रहा, तो मेरे पास आ रहा है, ये अच्छा बच्चा है। और फिर ये झालर वाला देखिए, ठीक है थोड़ा कट्टू टाइप में है। और ये गोल्डन कलर में अच्छा बच्चा है। ये मालवा का क्रॉस में बच्चा है, ठीक है अच्छा है। और तो बाकी कुछ इधर देखने लायक है नहीं। ये कलर बहुत अच्छा है, मेरे को पसंद बहुत है ये कलर, बट ये फीमेल सही नहीं है, प्रॉब्लम भी है पैर में और गाउटी देसी टाइप के। बट ये कलर अगर प्रॉपर गुजरी में आ जाए तो उसकी वैल्यू अलग चली जाती है फिर। बस बाकी अजमेरा सिरोही के कुछ बच्चे हैं एवरेज क्वालिटी में, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है।
और हमारा इंटेंशन कट्टू का माल दिखाना रहता भी नहीं है, पालने वाला है जो क्वालिटी रहती है वहाँ इंशाल्लाह फोकस करेंगे। ठीक है तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या माल है वो दिखाता हूँ, लोकेशन बता दिया हूँ, ये बच्चे भी इधर ही है बाजू में, आप लोग आ सकते हो। गाइस राइट नाउ आई एम एट S5 वाड़ा इन गाला नंबर 7 एंड वी आर हैविंग रुवेद भाई विद अस। अल्हम्दुलिल्लाह वापस से आ गए हैं बैक एट देवनार, है ना। क्या रीज़न था भाई आपका छोड़ने का, पहले तो लोगों को ये बताओ क्यों अचानक से माइंड सेट करे कि नहीं देवनार की वीडियो बनाना है, और क्यों सेट फिर वापस से करे कि बनाना है। पहले तो ये ऐसा था, मतलब 2 साल से कंसिस्टेंट बना रहा था देवनार में। हाँ हाँ, तो मैं सोचा भाई बंद कर दे रहा थोड़ा, देख 2-3 महीने का, क्योंकि बरसात भी हो रही, माल नहीं अच्छा आ रहा, आप देख रहे हैं माल आता ही देवनार के अंदर। हाँ, ठीक है, अब तो ढूंढना पड़ता है भाई, 10 मिनट के वीडियो के पीछे ना मतलब कम से कम आधे घंटे के ऊपर मेहनत चली जाती है। घर पे जाके अपलोड करो, मतलब 1 घंटा चले जाता है बराबर। तो वैसे मैं थोड़ा ब्रेक लिया था बरसात के बाद, थोड़ा बताएंगे कि बकरे मर भी रहे बहुत लोग के, वो सोच के मैंने ब्रेक लिया था। हाँ। और रीजन आने का ना भाई, मतलब मैं सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि मतलब ऐसा होगा। मेरा इंस्टाग्राम के पेज पे ना भाई इतने लोग ने मैसेज किए ना भाई, ये क्या बोलूँ भाई, वो हाई गैस मैंने रुवेश का नाम तो सुना होगा, वो तो डायलॉग बोल के मेरे को परेशान कर दिया भाई, तुम्हारी डायलॉग की याद आ रही है, खाली मत जाओ मेरे भाई, लाइक करके जाओ, ये सब डायलॉग पब्लिक बोल रहे हैं इंस्टाग्राम पे भेज रहे, क्या कह रही, कहाँ से कॉल आया, कहाँ से मैसेज आया, रुवेश भाई क्यों, सबको लगा स्ट्राइक है कि चलो बंद हो गया, स्ट्राइक भाई कुछ नहीं आई थी, मैं खुद ही अपना क्लोज करने के आपसे स्ट्राइक लगाए थे, मतलब मैं खुद रोक के रखा था, पर इतने लोग का प्यार देख के ना मेरे आंखों में आंसू आए थे, फिर मैं देवनार आ गया वापस। बाद में तुम लोग की वीडियो देखता ना देवनार के अंदर, ये गुजरी एक कोटा है, तो मेरे अंदर का बकरे पास ना मतलब जो मर रहा था ना, मतलब वो जाग गया फिर से। अरे माशाल्लाह, तो मतलब भाई तो हम लोग इतना समझाए तब समझे नहीं, अब लोगों ने समझाए तो तब बराबर आ गया, लोगों के बोल रहा था मेहनत की है, कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ अपने को लगता है अपने को नहीं मिला है, और तब मैं तब बंद किया चला, तब मेरे को मालूम पड़ा इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज तुमको खोल के दिखा दूंगा भाई, इतने लोग ने मैसेज किया, और कहाँ से मैसेज किए पूछो ही मत, है जयपुर तक मैसेज, जयपुर से मैसेज आ रहा था, जयपुर तक, भोपाल से आया, फिर हमारे कुछ फॉर्म वाले ने मैसेज किए क्या, और कुछ यूट्यूब लोग ने भी मैसेज किए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत लोग किए, कुछ अपने दोस्त लोग है, कुछ अपोजिट पार्टी भी है, मतलब अपोजिट पार्टी मतलब अलग फील्ड का काम करते, अच्छा रील्स बनाते, मैं तो सीधा नाम ले भी लेने वाला था, अपोजिट पार्टी बोले मैं बिंदास नाम लेता हूं, मतलब ये फील्ड बकरे की फील्ड के लिए अलग फील्ड है, ठीक है चलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो कंटिन्यू रखेंगे ना, अभी मतलब थोड़ा मैं एक हफ्ता रिलैक्स करके आ, तो मैं सोच रहा हूँ और चीज भी बनाएंगे अपन, अच्छा, और मतलब घर पे बैठ के आप इनडायरेक्ट मतलब सोच रहे थे आगे, प्लानिंग कर रहे थे क्या, देखो पप्पी भी दे दिया उसने, ये क्या, वो बोला पहले मेरे को दिखाओ, तुम बातें ज्यादा कर रहे हो, ये देखो यही वो बकरा है जिसकी कीमत है 42,000 रुपए, अब आप बोलोगे इसमें ऐसा है क्या, हमारे को नहीं मालूम, आगे पूछ लो व्यापारी को पूछो जिसका बकरा है, दो आंखें दांत है क्या, दंत खाली उतना चेक करो ना तंजिल भाई, ये देखिए कितने छठे दांत पे है, और वो बोल रहा है पालवा है, और बोल रहा है 42,000 का देना है, पालवा मतलब वही पालने वाली चीज, ये है मतलब अभी एक दांत कर चुका है, अच्छा भाई मुझे लगता नहीं है, मतलब क्या फायदा हुआ ऐसी चीज पालने लायक है, तुम थक मान से तुम रहोगे तो लेके पालोगे, 42 छोड़ो, अगर तुम वो 30,000 में भी जोड़ी देगा तो तुम लोग, ये चीज कैसी है भाई, मतलब किसी को कैसा है खूबसूरती चीज पसंद आती है तो उसको इसकी टोपी उसके साथ वैसा वाला हिसाब रखना, तो वो ये वो चीज है बस, और कुछ पालने के लिए तो पूरा गुलाबी है भाई, पालने के लायक की चीज है ये सब नहीं रहती है, मोस्टली पालने के लायक की चीज देखो वहाँ बंदी भी है, ये सब जानवर पालने के लायक के रहते, ये सब रिजल्ट देते हैं बराबर जाते हैं, कौन सा ये कहाँ से पालने वाले, खत्म हो गए इसकी उम्र पूरी हो गई, तुम उसको जगह खाली है, बकरा रिवर्स हुआ है, लोग मतलब पालने के हिसाब से कैसा, मतलब 2-2.5 साल पालना उसको बोलते हैं, मतलब मैं जिसको 100 किलो का बकरा बनाने गए तो ये 100 किलो थोड़ी बनने वाले चीज है, माशाल्लाह है जगह है, पैर देख लो भाई, ये देखो चलो रोहित भाई बोल रहे हैं, लेकिन अभी ये मैं तो पर्सनली मैं प्रीफर नहीं करूंगा ऐसे बकरे लेके पालू, नहीं जिसको फरी का शौक है तो ले सकते हैं, ये बात तो हर कोई हर किसी को पता है कि मतलब नहीं ऐसे बकरे लेके पाले नहीं जाते, पालने के लिए इंसान बच्चे से ही लेके आता है, अच्छी क्वालिटी का बच्चा लाओ, क्या है थोड़े पैसे ज्यादा जाते हैं ना, अभी एक तुमको एक प्रो टिप बताता हूँ फार्म की, क्या रहती है, बच्चा 40 किलो से 80 किलो तक ना वो फास्ट पकड़ता है, 80 किलो तक 100 थोड़ा कम होता, और 100 किलो के बाद ना बकरा मतलब ना बोले तो ऐसा एक एक मतलब एक महीने में 2 किलो बढ़ा देगा, 100 ग्राम बहुत स्लो कर देता है, मोस्टली पब्लिक क्या करती है, 60 किलो का बच्चा ये भी है, 60 किलो का रहेगा ये ना अगले इस तक बता रहा है, ये चीज़ दाते क्या अपने को मालूम नहीं है, ये चीज़ तुम लेके जाओगे 60 किलो का बकरा है ये ईद तक ना तुम्हारा 85 तक जा सकता है, इसका प्राइस कितना है पूछे नहीं हम लोगों ने, 50 बोला 50
उसमें क्या ही कम कर देगा और कितने में दे देगा, क्या लेके करेंगे 50,000 आस्किंग प्राइस। और बकरे, हाँ बकरे कभी भी ना भाई पैर देख के लेना चाहिए, उसके पैर में एकदम खड़े कुर्ता पैर स्ट्रेट एकदम, हाँ वो हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि वेट उठा वेट ले, उठा लेगा ये। वही बोलते हैं ना कि मतलब यानी बिल्डिंग खड़े करने के लिए नीचे का फाउंडेशन बराबर उसकी ना, वो जो कोटे के बकरे आप देखते हैं ना बड़े बड़े नामचीन 150 किलो 160 किलो को 100 किलो किले के ना, वो कभी भी छोटे बच्चे नहीं लेंगे भाई, जो 4,000 के पुन दिखाए वो बच्चे नहीं बड़े ही लेते लोग 70-80 किलो के, 70 किलो के बनेंगे तुम लोग के लिए बकरा सही है वो बोल रहा हूँ, बाकी जिसको शौक करना तो सबके अलग अलग पसंद है भाई, उसमें उसकी जैसी चॉइस चलेगा ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए आप लोग इंटरेस्टेड ये जानवर लेने में, बट अगर हो तो S6 में गाला नंबर 7 है ठीक है। तो गाइस यहाँ पे एक बड़ा बकरा है माशाल्लाह भाई, नस्ल आप बता दो पहले फिर आगे कंटिन्यू करो। पहाड़ी है भाई, पहाड़ी बकरा है, सिर्फ बफ ऑफ के ऐसे वही वो बोल रहा है कश्मीरी, कश्मीरी नहीं सिर्फ बफ के ऐसे लग रहा है पहाड़ी बकरा है। हाइट वगैरह भी माशाल्लाह अच्छी, सिक्के वगैरह भी बेस्ट, पाए वगैरह का भी मजबूत है, चेहरा वगैरह आप लोग देखिए इसका एकदम बुल की तरह सिंह आई है ठीक है। इनके पास और भी सोजत में भी बच्चे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग इधर आइए लाइव विजिट करिए, अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह सब ठीक है। और बाकी ये तो जो है वो है सामने, तो दांत वगैरह 4 से 6 पे है कुछ, और 28,000 रुपये 28,000 इसका आस्किंग प्राइस है। वज़न में भी लगभग 60 से 65 kg अप्रोक्सीमेट इतना आना चाहिए ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग विजिट कर सकते हो। इसका लोकेशन, लोकेशन क्या है तंजिल भाई है? ये 4 नंबर का S6 का 4 नंबर गाला है ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है आइए लाइव विजिट करिए और परचेसिंग आप लोग कर सकते। तो गाइस ये है S6 में गाला नंबर 15, और बहुत क्वालिटी और बहुत मस्त माल आया हुआ है माशाल्लाह, एक नंबर माल है। हमारे हुसैन भाई सामने बैठे हुए, इनका ही पूरा माल है। रोहित भाई क्या जानवर है इसमें, एक से बढ़ के एक नया, वो वाइट आइज का सब वाइट आइज मैक्सिमम पूरा वाइट आइज है। सुजत का बच्चा देखो, ये पूरा टोटल हुसैन भाई का माल है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या तो बाहर चल के भाई, बहुत खूबसूरत वाइट आइज का है, बहुत खूबसूरत बच्चा है। हाँ आराम से, हाँ एक नंबर बच्चे हाँ ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड आप हुसैन भाई से बात करिए, उसमें क्या बिका है क्या नहीं उनको आइडिया है ठीक है। ये भी वाइट आइस का है माशाल्लाह, बहुत बच्चे और सब एक से, वो सामने वाला बहुत जबरदस्त है ये वाला बच्चा, ये देखिए आप बहुत खूबसूरत है, हाँ ये देखिए माशाल्लाह पूरा गुलाबी पूरा पिंक, ये देखिए मुंडा झालर में, ये बच्चा देखिए आप लोग बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, एकदम घोड़े की कमान का है वो, और लंबे कान गुलाबी खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। इधर ये वाइट आइस का बच्चा देखिए आप लोग, क्या तारीफ करेंगे उतने कम है। देखिए वाइट आइस का चेहरा देखिए इसका, बहुत खूबसूरत बहुत माशाल्लाह। ऐसा सब मिक्सअप है, थोड़े बिके हैं थोड़े नहीं भी बिके रोहित भाई, तो इसलिए हुसैन भाई से अपने को कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाहर बैठे हुए हुसैन भाई सब तंजिल भाई के पीछे भागे ठीक है। तो आप लोग आके परचेसिंग वगैरह कर सकते हो इधर आके, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, ये भी बहुत ज़बरदस्त बच्चा है, ये वाला दिखाने लायक चीज़ है ये देखो ठीक है। तो चलते हैं देखते और क्या माल है। एक्सपीरियंस है तंजिल भाई हमारे दूध निकालने में, मैं सब चीज रख के हटा चुके, अपन भी बकरी रखे बकरा रखे मेंढे रखे, निकल रहा है एक बकरी से पूरा लीटर तो नहीं पड़ता यार भाई। नहीं भाई होती है भाई बर्बरी में वैसी कोई फीमेल, बर्बरी में होती है सानन में, सुनो मैं सानन में भी होती मिल्किंग फीमेल। बेटा थोड़ा साइड हो जाओ थोड़ा दिखाने, पानी है भाई खराब है, ये पानी खराब है, ये पानी है ना देखो वहाँ, देखो ना वहाँ दिखाओ पानी से, हाँ पूरा पानी पड़े आता है दूध। अच्छा ये सब मत लो बेटा, देखो एक्सपीरियंस बोलता है, दूध निकाल के लेके जा रहे हो समझ के नहीं वो मालूम है। गाइस ये थी आज की दोनार बकरा मंडी की अपडेट ठीक है। माल तो ज़्यादा कुछ आया नहीं है, कल इंशाल्लाह कवर करेंगे आके देखेंगे क्या है, अभी रात में क्या गाड़ी उतरती क्या नहीं, तो यहाँ पे रास्ता नहीं है तो यहाँ से चलते ठीक है। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।